हाय एवरीवन, फिर से आपको एक नया वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताने वाले हैं गाइस, अगर उस ट्रिक्स को आप फॉलो करते हैं और उस ट्रिक्स को अच्छे तरह से आप समझ जाते हैं, ठीक है गाइस, अगर आप अच्छे तरह से फॉलो करते हैं, अच्छे तरह से समझ जाते हैं और उस ट्रिक्स को अपने चैनल पर अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो 100% है गाइस, जो आपके वीडियो पे व्यूज बढ़ेगी प्लस आपके चैनल ग्रो बहुत जल्दी ही हो सकती है। क्योंकि गाइज ये ऐसा ट्रिक्स है गाइज, अगर इस ट्रिक्स को आप फॉलो कर लीजिएगा ना तो ये 100% है गाइज, जो होगा ही फायदा गाइज। क्योंकि गाइज उस ट्रिक्स को हम फॉलो करके अपने चैनल पे देख चुके हैं, जब से उस ट्रिक्स को अपने चैनल पर अप्लाई किए हैं तब से मेरा चैनल जो है ग्रो होना स्टार्टिंग हो गया है। तो इसलिए गाइज आपको हम सोचे जो ये ट्रिक्स आपको भी बताए, अगर गाइज आपको विश्वास नहीं होता है तो आपको हम लाइव प्रूफ आज इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। गाइज इतना आप जरूर समझ लीजिए, हम भी एक छोटे क्रिएटर है, आप भी एक छोटे क्रिएटर है, इसलिए आप इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए गाइज हम कभी ये नहीं चाहते हैं जो हमारे ऑडियंस को गलत तरह से जो है गलत न्यूज मिले, गलत ट्रिक्स को जानकारी दिया जाए। इसलिए गाइज ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, हम जो भी ट्रिक्स आपको बताएंगे, जो भी चीज आपको बताएंगे गाइज, वो अपने चैनल पे हम पहले क्या करते हैं उसे अप्लाई करते हैं, जब हमें फायदा दिखता है उसके बाद आपको ये सारी बातें हम बताते हैं। चलिए गाइज आपको हम इस साइड में जो है सो स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, ठीक है गाइज। स्क्रीनशॉट लगाने के बाद यहाँ पर देखिए गाइज आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ से आपको क्या करना है, यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेना, ठीक है। यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको करना क्या है गाइज, आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में सर्च मारना है मनोज दे, ठीक है। मनोज दे आपको लिख के सर्च कर देना है, जब आप मनोज दे लिख के सर्च कर देते हैं तो उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे मनोज दे के चैनल आ चुका है, उसके बाद उसका वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो उस वीडियो को थोड़ा उस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिएगा नीचे में जो है हमारा भी वीडियो सजेस्टिंग में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप सोचते होंगे जो हम मेंशन किए होंगे उनका नाम कहीं पर डाले होंगे इसलिए जो है सजेस्टिंग में आ रहा है, तो ऐसा कोई गाइज नहीं है। इसलिए गाइज जो हम इस ट्रिक्स को अपने चैनल पर अप्लाई किए हैं यही 4 से 5 रोज पहले, और जब अप्लाई किए हैं तो 2 रोज से जो है मेरा चैनल इसके सजेस्टिंग में आने लगा है। यही जगह आपको हम बताना चाह रहे थे, यहाँ पर हम कौन ऐसा ट्रिक्स अप्लाई किए हैं जिससे मेरा वीडियो बड़े क्रिएटर के वीडियो के नीचे सजेस्टिंग में ऑटोमेटिक आ रही है, और गाइज नहीं उसका हम टाइटल में मेंशन किए हैं उसको, नहीं हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए, मतलब कहीं भी उसका नाम हम नहीं डाले हैं इस वीडियो में, फिर भी वो सजेस्टिंग में आ रही है। अगर गाइज आपका वीडियो बड़े क्रिएटर के सजेस्टिंग में आ जाता है तो ये 100% है जो आपके चैनल पे बहुत जल्दी ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो यही ट्रिक्स के बारे में गाइज आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, जो किस तरह से आप अपने चैनल पे इस ट्रिक्स को अप्लाई कीजिएगा और कौन ऐसा ट्रिक्स है जिससे आपकी भी वीडियो सजेस्टिंग में आने लगेंगी। तो गाइज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश राज, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल राजी ऑफिशियल ट्रिक्स। तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो में देखते हैं जो कौन ऐसा ट्रिक्स है जिससे फ्रेंड बड़े बड़े क्रिएटर के वीडियो के नीचे आपकी वीडियो ऑटोमेटिक सजेस्टिंग में आ सकती है। तो चलिए गाइज देख लेते हैं वीडियो को। यहाँ से आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गाइज आप सर्च करते हैं कर सकते हैं www.youtube.com, ठीक है, और नहीं तो गाइज यहाँ से आप इस लोगो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए गाइज आपको ऊपर में दिख जाएगा 3 डॉट बिंदी बिंदी टाइप पर, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, डेस्कटॉप साइड वर्जन में आपको सेट कर लेना है। डेस्कटॉप साइड पर सेट करने के बाद आपका फोन डेस्कटॉप साइड मोड में खुल जाएगी। खुलने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको यूट्यूब लोगो दिखता होगा, ठीक है। यूट्यूब लोगो पे आपको क्लिक करना होगा। यूट्यूब लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर चैनल आपको सेलेक्ट कर लेना है। योर चैनल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना होगा। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। सेटिंग का ऑप्शन पर आपको चला जाना है। सेटिंग का ऑप्शन पर चले जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा
चैनल, ठीक है। इस चैनल पर आपको क्लिक करना होगा। चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें अपने इस साइड में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा वैश्विक इन्फो, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको दिख जाएगा कंट्री ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। तो ये आपको इंडिया तो सेलेक्ट कर ही लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में आपको दिख जाएगा फ्रेंड कीवर्ड, ठीक है। यही गैज है इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको यहाँ पे अच्छे ढंग से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड आपको सेट करना होगा। यहाँ देखिए फ्रेंड आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड हम 4 से 5 दिन पहले यहाँ अपने कीबोर्ड में यहाँ पर देखिए फ्रेंड मनोज दी यहाँ पे हम डाल रखे हैं, ठीक है। और यही कीबोर्ड डालने से फ्रेंड जो है ना उनके सजेस्टिंग में हमारा वीडियो जा रहा है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, आपको यहीं पे जो है मनोज दे, या अगर फ्रेंड आप दूसरे कैटेगरी के वीडियो बनाते हैं तो दूसरे आपके कैटेगरी के जो भी बड़े बड़े क्रिएटर है उसका चैनल का नेम अगर आप इस टैग में यहाँ पर ऐड करते हैं तो आपका भी वीडियो जो है तो सजेस्टिंग में जाना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मन के चलिए यहाँ पर हम क्लिक किए और यहाँ करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड कुछ भी यहाँ पर टाइप करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मन के चलिए हम टाइप किए, टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा सेव का आइकन, ठीक है। सेव के आइकन पर यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर यही आप क्लिक करते हैं तो गैज आपको यहाँ पर क्या होगा, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद फ्रेंड यहाँ से आपका ये सेटिंग जो है क्लियर हो गया, और क्लियर करने के बाद अब फ्रेंड आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ से अब बैक चलना है। उसके बाद गैज देखिएगा आप 2 से 1 से 2 दिन के बाद उनके वीडियो के सजेस्टिंग में आपके वीडियो जाना स्टार्टिंग हो जाएगा। तो यही था गैज इंपॉर्टेंट सेटिंग वो जो आपको हम बता दिए, और ये सेटिंग आप जरूर कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये अगर सेटिंग आप कर लेते हैं तो कन्फर्म है गैज आपका भी चैनल पे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गैज अब यहाँ से बैक चलते हैं। तो गैज उम्मीद है अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे। अगर गैज आप वीडियो देख रहे होंगे तो कन्फर्म है गैज जो जितना भी चीज इस वीडियो में बताए होंगे आप जरूर समझ गए होंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, प्लस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड कराता रहता है आपका भाई। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नेटवर्क के साथ। तो फिलहाल गाइस ओके।